जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। और ये बेसिकली जो वीडियो है ये आपके अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर का है। इसमें पूरा करंट अफेयर मैंने कवर कराया हुआ है। तो बेसिकली इसमें एमसीक्यू फॉर्म रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो जो पिछले वाला वीडियो था करंट अफेयर का, उसमें बेसिकली मैंने पूरा रखा रहता है ब्रीफ टाइप का, और इसमें एमसीक्यू टाइप रखा हुआ है मैंने। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी प्रेफर कर सकते हो और पीछे वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। ये पूरा अक्टूबर मंथ का कवर कर रहा हूं मैं, और न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले विश यू ऑल यू हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं। और मेरा यही मोटिव रहेगा कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, जैसे कि एनडीए, CDS एंड CAPF, ये एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। कुछ और भी टॉपिक्स है उसको भी मैं कवर करता जाऊंगा। और मुझे जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए। इससे क्या होगा, आपको अगर कोई नोट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, तो आपको नोट भी प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। और माई नेम इज रोहित रानवे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की सीरीज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022, ठीक है। तो 2022 में दादा साहेब फाल्के, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको 24 कर लेना। ठीक है ना। तो मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, उसके बाद धर्मेंद्र और पंकज त्रिपाठी को। तो बताएं इसमें आंसर क्या होगा। आपको टाइम दे रहा हूं मैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी। तो 2024 के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मिथुन चक्रवर्ती। चलो, तो इसमें हमने क्या देखा कि किसको मिला दादा साहब फाल्के 2024 अवार्ड। तो बेसिकली मिथुन चक्रवर्ती को मिला हुआ है, और ये रहे फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो ये याद रखना है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना देखने को मिलेगी। प्रेजेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड डायरेक्टेड बाय फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल, ये हमको देखने को मिला है। और बेसिकली ये 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, एंड एक शॉल दी जाती है, सम्मान होता है। और इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर द दादा साहेब फाल्के फादर ऑफ सिनेमा। ये फर्स्ट कब स्टार्ट किया था, 1969 में स्टार्ट किया गया था। एक्ट्रेस देविका रानी, बॉर्न इन 1870। दादा साहेब फाल्के का जन्म कब हुआ था, 1870 में, और डायरेक्ट इंडिया फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो आई होप सो 19 साल का करियर रहा है इनका, 95+ मूवीज इन लोगों ने बनाई है। तो बहुत बड़े लेजेंडरी व्यक्ति थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थ्री न्यू मेडिकल कॉलेज, बागपत, हाथरस और कसगंज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अभी 3 जगह मेडिकल कॉलेज खोले, जिसका नाम है बागपत, हाथरस और कासगंज। इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। बागपत बोले तो उत्तर प्रदेश वाला रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनने मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किए हैं, कहाँ पर, बागपत, हाथरस और कासगांव, एडिंग 300 MBBS सीट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंड स्कीम के द्वारा, ठीक है। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। और 2017 में 39 मेडिकल कॉलेजेस थे, तो 2017 के अंदर इतने थे, अभी 78 हो चुके हैं।
तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेजेस की आवश्यकता है हमें, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। और दूसरी बात यह है कि करप्शन कम होना चाहिए, जितना कम करप्शन होगा उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल बेवरेज दैट रिसेंटली रिसीव अ जीआई टैग फ्रॉम आसाम बोडो कम्युनिटी? तो आसाम बोडो कम्युनिटी का कौन सा ऐसा बेवरेज है, मतलब ड्रिंक है ये, जो कि जीआई टैग मिला है इसको? बोडो टोनवा, बोडो अपोर, बोडो जो गावरन, बोडो अरोनाई। ये आपकी प्रैक्टिस सेशन टाइप है, आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करें तो देखते हैं। आसाम इंक्लूड बोडो जोई ग्राउंड, ये राइस बियर होती है और इसके अंदर 16.11% अल्कोहल होता है। कितना होता है? 16.11%। तो क्या है, बोडो जोइंग ग्राइन, ये एक राइस बियर होती है। और बोडो नेफा फेमस फिश डिश, इसके साथ क्या खाते हैं ये लोग, फिश की डिश खाते। और बोडो कम्युनिटी हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ कंज्यूमिंग राइस बियर, ओरिजिनेट फ्रॉम द लॉर्ड शिवा, ऐसा इनका मानना है। हाँ, तो इनको देख के इधर उधर मत सोचिए, ये वहां की कम्युनिटी की वुमेन्स है जो कि ट्रेडिशन सॉन्ग्स वगैरह पे डांस वगैरह कर रही है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसने कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान स्कीम लॉन्च करी है? कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। चलो, तो किससे स्टार्ट किया है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिससे कि युवाओं को, यूथ को जॉब मिलेगी। जॉब का इंसेंस मतलब है उद्योग, उद्योग स्टार्ट करेंगे, मतलब न्यू एंटरप्रेन्योरशिप्स, ठीक है ना, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह आ जाता है। तो बेसिकली 1 लाख रुपए तक का असेस दिया जाएगा, बाद बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। तो कौन से प्रोविंस में, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो है जरूरी भी है, देखिए हर कोई जॉब सीकर भी नहीं हो सकता, तो हर कोई जॉब कर भी नहीं सकता, तो दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, 10 लाख रुपए तक योगी जी के द्वारा दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, यूथ को एक मोटिवेशन मिलेगा और वो कुछ अपना नया रोजगार उत्पन्न कर सकता है। अगर वो एक व्यक्ति 10 लोगों को भी रोजगार देगा तो आप एक बात बताइए कितना हेल्प होगा, ठीक है ना। तो यही आवश्यक भी है और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, विच टाइप ऑफ मिसाइल इज VSHORADS विश्रो धस डेवलप बाय DRDO? DRDO ने जो विश्व धरस मिसाइल है वो कौन तरीके की मिसाइल है, ये आपको बताना है। एयरबोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, या नन ऑफ दी अबव? बताइए जल्दी। चलो, ये मुझे लग रहा है 2025 में क्वेश्चन आने ही वाला है, एनडीए में या CDS में आएगा, मे भी आएगा। DRDO ने डेवलप किया है, DRDO ने क्या किया है, डेवलप किया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो विश्व धरत का फुल फॉर्म क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। 3 सक्सेसफुली टेस्ट किए गए पोखरण राजस्थान के अंदर। और ये क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे मैनपैड भी बोला जाता है। तो कैसा है ये, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि न्यूट्रलाइज करेगा लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को, मतलब कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का जो हवा में कोई रॉकेट होगा उसको निशना नाबूद कर देगा। तो DRDO ने रिसर्च सेंटर विद इमार्थ हैदराबाद और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ क्या किया है, कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो
आपको याद रहना चाहिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ड्रग ट्रैफिकिंग हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बॉर्डर एरिया में, राजस्थान पंजाब ये वाले एरिया में। तो नवजीवन संकल्प विकसित और निर्माण, तो हिमाचल प्रदेश ने कौन सा लॉन्च किया है? चलो देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुख, इनने संकल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया है। संकल्प लेते हैं हम लोग, मतलब हम शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रैफिकिंग को रोकेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकेंगे। और ये बेसिकली शिमला के अंदर स्टार्ट किया है, दिव्य ज्योति जागृति संस्था इन शिमला। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, सुखविंदर सिंह सुखो। ठीक है, संकल्प योजना लाया है किसके लिए? ड्रग्स स्टॉप के लिए। हमें क्या करना है? ड्रग्स को स्टॉप करना है। नेक्स्ट, विच कंट्री होज द 9th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप? वुमेन वर्ल्ड कप पूछ रहा है, ये 9th एडिशन किसने होल्ड किया था? मतलब अभी आपने देखा रहेगा कि 9th एडिशन हुआ था आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप का, तो किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंग्लैंड और इंडिया। चलो देखते आगे। तो बेसिकली ये यूएई ने किया था, किसने किया था? यूएई ने किया था। और कहाँ हुआ था ये? शारजहां, बहुत अच्छा स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है। तो 3 से लेके 20 अक्टूबर के बीच में ये हुआ था और ऑल द मोस्ट टीम्स ने क्रैम किया था यार। ठीक है ना, तो आई होप सो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया जीता था, तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। कहाँ हुआ था ये पूछता है, कौन सी टीम जीती थी ये पूछता है, और रनअप टीम पूछती है, तो आपको इतना आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट, हु वेयर अवार्ड द 2024 नोबल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। तो किसको मिला है 2024 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर डिस्कवर ऑफ आरएनए? हैंस क्लेवरेस एंड इरिक टूपल्स, स्टॉट ऑर्किन, पीटर बेर्निस, विक्टर एम्ब्रियस, ग्रे रूबिकन, पॉल रिड्रग एंड फ्रांसिको कॉलिंस। किसको मिला है? तो मिला है ये नोबल प्राइज इन साइकोलॉजी का एंड मेडिसिन, तो साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूबिकन्स, देख सकते हो आप इनको। और ये रिसर्च कर रहे थे माइक्रो आरएनए के ऊपर, और इनका काफी ज्यादा संघर्ष रहा है। और इनको प्राइस कितना मिला है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स, इक्वलेंट टू 1.1 मिलियन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो अमाउंट रहता है वो स्वीडिश क्राउन्स में मिलता है, ये करेंसी है स्वीडन की। तो आपको ये पिक्चर इस वजह से रखता हूं मैं कि आपको एक मेमोराइज रहे, आपको एक याद रहे जब आप पढ़ो, और इसके आप जब नोट्स बनाओ तो आपको एक आइडिया आ जाए। Who has been awarded 2024 Nobel Prize in Physics? Physics में किसको मिला है Nobel Prize? Donald P. Fendriers, John Nathan Butler, John Popfield and Gregory Hinton, Subir Sarkar and George Bland Hawthorne, Max Planck and Richard Feynman। बताइए जल्दी। अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा रहेगा और आप करंट अफेयर फॉलो करते हो और टेलीग्राम वगैरह पे भी आप फॉलो करते होगे, तो आपको पता होगा मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो किसको मिला है? जॉन हॉफिड एंड जेफरी हिंटन को मिला है। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स बना रहे थे, जिसे मशीन लर्निंग भी बोला जा सकता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान रहा है फिजिक्स के अंदर। तो ये इन पे रिसर्च कर रहे थे, बड़ा नाम है तो आपको पता होना चाहिए। क्या? जॉन हॉफिल्ड एंड जोफ्री हिंटन। ठीक है, किस पे काम कर रहे थे? आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स पे, जिसे मशीन लर्निंग
ब्रांच या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच बोल सकते हैं, और ये एल्गोरिदम्स पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर, द नोबल प्राइज इन फिजिक्स। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 की थीम क्या थी? बहुत पूछने वाले सवाल थे। मेंटल हेल्थ एट वर्क, मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्क, मेक मेंटल हेल्थ वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। तो आप इसका जवाब दीजिए। आई विल बी चेक ऑल थिंग्स आर क्लियर, सब चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर आ रही है आवाज, आई थिंक सो। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑब्जर्व द, सबसे पहली चीज देखना है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑब्जर्व कब किया जाता है, अक्टूबर 10 को, ये आपको याद होना चाहिए। और ये 1992 से हम लोग इनिशिएटिव रखे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, और इसका मेन मकसद क्या है कि लोगों की जो मानसिक बीमारी है उस पर हम लोग फोकस करें, और हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, जो इस तरीके से पीड़ित लोग हैं उनको हम लोग क्या कर सके, उनको इलाज दे सके, प्रॉपर टाइम पे मेडिटेशन दे सके, जिसकी वजह से हमारे समाज में ऐसे लोगों की कमी हो। मेंटल हेल्थ एट वर्क, ये इसका थीम है 2024 का। मेंटल हेल्थ एट वर्क हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन था सी वाला, मेक मेंटल हेल्थ, सॉरी मेंटल हेल्थ एट वर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयड है उनको स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं सिंबॉल है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। वेट फुआ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वेट फुआस ये पूछा जाएगा क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया भी है। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या है, लाओस। इसका आंसर क्या है, लाओस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट लाओस पीएम सोनेक्सी सेमफोर्ड इन वियतनाम एंड कांग्रेस होस्टिंग आसियान इंडिया एंड ई सीएसएफ समिट। तो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान और ई एशिया समिट कहां पर हुई थी, तो वियतनाम के अंदर हुई थी, और यही वेट हुआस को क्या मिला हुआ है, यूनेस्को साइट का दर्जा मिला है। और कहीं ना कहीं हमारे लाओस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन भी है, और ये कल्चरल साइट भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और ये कहीं ना कहीं क्या है, रामायणा से लिंकिंग है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां हमारे कल्चर और साउथ ईस्ट एशिया से कल्चर जुड़ता है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रोमिनेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? 102, 112, 105 और 110। ये वाला तो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, डैम श्योर है आपके अपकमिंग एग्जाम में आने ही वाला है कि इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे क्या नतीजा है। देखिए, इंडिया लार्ज कंट्री है, मतलब पॉपुलेशन के मामले में, तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है इंडिया के साथ, यहाँ जो माइनर कम्युनिटी हो उनके साथ क्या होता है, अनइक्वलिटी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमा सकते, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि चीजें बटेगी, और ज्यादा लोगों में बटेगी तो रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं। तो हमको देखने को मिला है 105वां रैंक है, और कहीं ना कहीं ये शर्मसार करता है हमें, 127 कंट्री में 105वां रैंक है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और इंडिया लैग्स बिहाइंड सेवरल साउथ एशियन नेबरिंग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। हमारे यहाँ अभी भी भुखमरी के शिकार है लोग, बच्चे,
और कहीं ना कहीं हमें इस पे काम करना चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए। देखिए न्यूट्रिशन नहीं बच्चों को मिलेगा तो हमारा यूथ कहीं ना कहीं पिछड़ा रह जाएगा, और हम कतई भी ये नहीं मानते कि हमारा यूथ पिछड़ा रह जाए। और हमारे यूथ में कोई टैलेंट नहीं है ऐसा भी नहीं है, यूथ में बहुत टैलेंट है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये चीज प्रूव भी करी है। ठीक है चलो आगे देखें। अकॉर्डिंग टू एनवी स्टेट इंडिया 2024 रिपोर्ट, विच टाइगर रिजर्व हैज बीन रैंक फर्स्ट फॉर इट लेपर्ड पॉपुलेशन। लेपर्ड पॉपुलेशन कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी है? तो एनवी स्टार्ट इंडिया 2024 की रिपोर्ट है, ताड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्री सलम टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। चलो तो इसका आंसर है नागार्जुन सागर श्री सलम टाइगर रिजर्व। ठीक है तो इसका आंसर क्या है, टॉप रैंक है नागार्जुन सागर श्री सलम टाइगर रिजर्व। इंडिया 55 टाइगर रिजर्व एंड लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट 360 लेपर्ड पॉपुलेशन, तो काफी अच्छी लेपर्ड पॉपुलेशन है और ये कहीं ना कहीं बता रहा है। और श्री सलम टाइगर रिजर्व हमारे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है और इसके अंदर अप्रोक्स 80 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे 1401 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच डे वॉज सेलिब्रेट एज अभिधम दिवस बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अभिधम बेसिकली गौतम बुद्ध से बिलोंग करता है। गौतम बुद्धा से बिलोंग करता है और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में पीस लव एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो ये हमारे समाज में होना भी चाहिए और कहीं ना कहीं अभिधम दिवस भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मनाया गया इसी बात को लेके। तो अभिधम दिवस सेलिब्रेट बाय 17 अक्टूबर, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 अक्टूबर को, तो आप ये याद रखेंगे डेट। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और बुद्ध रिटर्न फ्रॉम द तवस्तम हेवन आफ्टर द टीचिंग ऑफ अभिधम्मा, तो जाहिर सी बात है अभिधम्मा मतलब उनने मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी, इस वजह से हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। उनका बहुत ज्यादा भ्रमण रहा जैसे म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया श्रीलंका में, तो कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं। और फुल मून डे आप कभी भी देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन ही इनको इनकार्नेशन मिला, इनकार्नेशन का मीन्स इनको मोक्ष मिला। और हमारे जो तीर्थंकारक्स है जैसे कि जैनिज्म के अंदर, उनको भी पूर्णिमा के दिन ही नॉलेज मिला था, इनलाइटमेंट जिसे हम बोलेंगे। और पाली भाषा ओल्डेस्ट भाषा है हमारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाली प्राकृत एनसीईआरटी प्राकृत दे रही, तो सेम टाइम पीरियड की है पाली प्राकृत भाषा, संस्कृत नहीं है पाली प्राकृत भाषा है। विच कंपनी हैज मैन्युफैक्चर इंडिया फर्स्ट इंडिजनसली हाई स्पीड ट्रेन। इंडिया में सबसे पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी, उससे पहले पहले गतिमान एक्सप्रेस वगैरह बनी थी 180 किलोमीटर की स्पीड से, दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है गतिमान एक्सप्रेस, तो वो भी 180 के स्पीड, 160 180 के बीच में चल रही, तो किसने बनाई थी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवल लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलो इसका आंसर होगा भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, BEML। ठीक है तो इंडिया के फर्स्ट इंडिजनसली हाई स्पीड ट्रेन बनी, जो कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टच करने की, पर अभी तक हमारे ट्रैक्स इतने मजबूत नहीं है कि हम उसको कर पाए। और 1964 में फाउंड किया गया सोवियत यूनियन असिस्ट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, मतलब ये बेंगलुरु में स्टैब्लिश मतलब टेस्ट किया है। अभी तक मैक्स मैक्स हमारी जो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चली है ट्रेन, उससे ज्यादा चलाने का रिक्स है। रिक्स क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेन के ट्रैक्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? जो 4 गेज लेंथ होती है उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज है, और प्लस हमारे यहाँ टर्नल्स है, हमारे यहाँ जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास।
तो 180 भी बहुत होती है मुझे ऐसा लगता है। धीरे धीरे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एशिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी। रेलवे को और वर्क करना चाहिए चीजों पे। हलमायरा सिया विच वॉज सीन इन न्यूज ड्यू टू अर्थक्वेक लोकेट इन विच कंट्री। हलमेहरिया सी ये कहाँ पर है? मॉरिशस, फ्रांस, मलेशिया, इंडोनेशिया। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो 1.25 पे आप इसको देख सकते हैं और इसका जवाब दीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए, पीडीएफ भी मैं एक दो दिन में प्रोवाइड कर ही देता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था हलमारा सी इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर? इंडोनेशिया के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। हलमारा सी कहां पर है? इंडोनेशिया के अंदर। तो जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस हलमारा सी इज लोकेटेड नियर द हलमारा आइसलैंड। तो आप देख सकते हो ये रहा इंडोनेशिया। यहाँ ग्रेट सुंडास देखने को मिलेगा, सुलवेसा रीजन मोलुकस मिलेगा और लेसर सुंडास देखने को मिलेगा। तो इंडोनेशिया इतना बड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन थ्रू द टू एंट्री पास वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न। तो यहाँ से आप देख सकते हो सुंडा स्ट्रेट भी देखने को मिलेगा और यही हमारा अंडमान निकोबार है अप्रोक्स 150 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। Recently, which was the 16th BRICS Summit 2024 held? 26वीं BRICS Summit कहां पर हुई थी? बीजिंग, चाइना, सल्वाडोर, ब्राजील, कजान, रशिया, न्यू दिल्ली, इंडिया। कहां पर हुई थी? 16वीं BRICS Summit 2024 कहां हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कजान, रशिया। कहां हुई थी? रशिया के अंदर हुई थी। तो कजान रशिया में अक्टूबर 22 से लेके 24 के बीच में हुई थी। ब्रिक्स में ओरिजिनली कितने मेंबर है? ओरिजिनली इंक्लूड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और 2024 में और न्यू मेंबर जुड़े हैं जैसे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, ठीक है। तो बेसिकली देखो परमानेंट मेंबर तो जो है वो है ही है, उसके बाद और भी मेंबर जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये समिट को और बड़ा बना देता है और इसमें डेवलपिंग नेशन है जिन्हें न्यू डेवलपिंग बैंक भी बनाया, चाइना का उसमें बहुत बड़ा स्टेक है। और कहीं ना कहीं ये एक फॉर्म है जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाती है वर्ल्ड की, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल ऑफ यू। रिसेंटली वेयर वॉज द बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड? बिहार का सबसे पहला ड्राई पोर्ट कहां पर है? भीता, रोहतास, कैमूर, गया। ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट के नाम है। कहां पर बनाया गया? भीता, रोहतास, कैमूर और गया। तो कहां बनाया? भीता में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा बनाया गया है और इसको कनेक्ट किया जाएगा बिहार रेल से कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, नावा सेवा और मुंद्रा से। और ये इनलैंड कॉरिडोर डिपोर्ट है और यहाँ एयरपोर्ट, सीपोर्ट और कार्गो हैंडलिंग स्टोरेज रखा जाएगा। जिससे देखो बिहार में वैसे भी बड़ी रिवर है, गंगा रिवर है, उसकी सहायक रिवर भी है, जिसकी वजह से हमको और क्या हो सकता है, बिहार से जो भी सामान है या जो भी मैन्युफैक्चर है हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होगा और कुछ प्राइवेट एंटिटीज का हिस्सा होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हम और ज्यादा चीजें और रिसोर्सेस को वहां ला सकते हैं। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। और ये नीतीश कुमार है बिहार के चीफ मिनिस्टर। विच इंडियन प्लेयर वॉन द वुमेन डबल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर कैगलीरा 2024 टूर्नामेंट? तो कौन से ऐसे इंडियन प्लेयर है डबल टाइटल में वर्ल्ड टेबल टेनिस के अंदर जिनको पुरस्कार मिला है? सुत्रा मुखर्जी एंड नेहा अग्रवाल, मनिका बत्रा, मोमो दास, कृतविका रॉय और यशस्विनी घोरपड़े और अंकिता दास एंड नेहा अग्रवाल। जल्दी बताइए।
देखेंगे कृतिका रॉय एंड यशस्विनी घोरपड़े वॉन द डबल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस। तो इनका नाम याद रहना चाहिए आपको, क्या नाम है, कृतिका रॉय, ठीक है, और यशस्विनी घोरपड़े, ये दोनों ने वुमेन डबल टाइटल जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस, जो कि कैलगेरिया इटली के अंदर हुआ। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा उसमें याद ना रखे, क्योंकि तो ज्यादा याद रखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप एनडीए सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो विच कंट्री हो द सेवेंथ एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2023। तो काजिन 2023 बेसिकली किसके बीच में हुई है, इंडिया, कजाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान। जाहिर सी बात है कजाकित, मतलब जाहिर सी बात रहेगी कि इंडिया तो रहेगा ही रहेगा, और किसके साथ है? तो बेसिकली ये कजाकिस्तान के साथ करी है। इंडिया आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट 120 पर्सन थे, और ये सेवेंथ एडिशन था किसका, काज इंद का। तो इसमें कौन कौन थी, कजाकिस्तान, और ये हुआ कहाँ था, वैसे ओटार के अंदर हुआ था, कहां पर हुआ था, ओटार के अंदर हुआ, और दोनों के बीच में इंडियन बेसिकली आर्मी और कजाकिस्तान आर्मी के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, प्रबल दोस्तक होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। बाय सर्विस एक्सरसाइज भी होती है, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ड इन इंडिया विच वॉज रिसेंटली डिलीवर बाय GRSE। गार्डन रिच सिर्फ इसने क्या किया है, डिलीवर किया है लार्जेस्ट सर्वे वेसल को, INS संध्याक, INS सहायक, INS स्वीकार और INS संदेश। बताइए जल्दी। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग डिलीवर लार्जेस्ट वेसल जिसका नाम है संध्याक, क्या नाम है, संध्याक, तो आपसे पूछा जाएगा, और इंडियन नेवी को दिया गया है संध्याक, और ये लार्जेस्ट है, और इसकी तरह फोर और ऐसी एडवांस शिप बनाई जा रही है। ठीक है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, करंट में न्यूज में रहेगा तो आपको पता रहना चाहिए। चलो आगे देखें। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश, NG मिसाइल। आकाश की जो नया जनरेशन मिसाइल है NG मिसाइल, वो सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, या एयर टू सरफेस है? तो देखते हैं, आकाश जो मिसाइल है वो DRDO ने बनाई है। किसने बनाई है, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को लिखना है, और कब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, और आकाश एनजी मिसाइल इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर पे टेस्ट करी गई थी, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसी है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंटरसेप्ट हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल इन लो एटीट्यूड। ठीक है, तो बहुत अच्छी मिसाइल है ये, और विद इन 40 किलोमीटर के रेंज में तो ये टारगेट को निस्तनाबूद कर देगी। ठीक है, तो कैसी है ये, सरफेस टू एयर मिसाइल, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज दोस्ती, दोस्ती एक पार्टिसिपेशन कौन कौन सी कंट्री ने किया है, एक्सरसाइज कंडक्ट करिए, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और म्यांमार। कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया एक्सरसाइज दोस्ती में, तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, याद रखे ना, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, इनने मिलके एक्सरसाइज दोस्ती करी है, और ये बेसिकली टाइटल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी का नहीं है, और ये 16th एडिशन हुआ है। ठीक है, तो श्रीलंका, मालदीव और इंडिया इसमें रहा है, और ऑब्जर्वर स्टेट कौन रहा है, बांग्लादेश रहा है। तो यहाँ ICGS समर्थ, ICGS अभिनव और ICGS डोर्नियर, ये आपको देखने को मिलेगा
इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड इज अ वेरी कैपेबल एंड वेरी होलिस्टिक फोर्स है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो बी देयर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। चलो, तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है रानवीर रोहित, आप लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मैं मिल जाऊंगा ओपला डिफेंस। और ये व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लव यू ऑल, और विजिट करते रहिए हमारे चैनल पे। कोई भी न्यू डिटेल्स जानकारी आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि आप मुझे जुड़ सके। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू ऑल।